तो पार्ट वन में हमने बात की थी प्लेयर्स के रोल को लेकर, और इस पार्ट में हम बात करेंगे प्लेयर्स के माइंडसेट और बाकी के एक दो और टॉपिक को लेकर जो टीम को और बेटर बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेयर्स के माइंडसेट की। तो जहाँ तक मुझे लगता है एक परफेक्ट टीम वही है जिसमें चारों प्लेयर एक जैसा सोचें, मतलब चारों प्लेयर का एक टाइम पर एक ही मोटिव होना चाहिए, मतलब जब मारना है तो मारना है, जब अवॉइड करना है तो अवॉइड करना है। ऐसा नहीं है कुछ प्लेयर सोच रहे हैं मारने का, कुछ प्लेयर सोच रहे हैं अवॉइड करने का। इससे क्या होता है कि हर प्लेयर्स की स्किल्स एक नहीं हो पाती, तो प्लेयर टीम में रहकर भी प्लेयर्स अलग अलग रहते हैं और उससे टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती। जैसे धूप चाहे कितनी भी तेज हो उससे कभी आग नहीं लगती, जब आग लगानी होती है तो लेंस की हेल्प से फैली हुई धूप को एक किया जाता है। वैसे ही सब प्लेयर धूप की तरह अलग अलग होते हैं, और प्लेयर का एक माइंडसेट वो लेंस होता है जो चारों की स्किल्स को एक करता है। अब जिस टीम के चारों प्लेयर का एक माइंडसेट होगा वो टीम किसी भी लॉबी में आग लगा सकती है, उसकी परफॉर्मेंस नेक्स्ट लेवल होगी। तो अब बात करते हैं कि सबका एक माइंडसेट होगा कैसे। वो होगा प्रैक्टिस से, जिसे टीम ग्राइंड भी कहते हैं। पर इसमें सबसे मुश्किल चीज़ यह है कि चारों प्लेयर का एक माइंडसेट करने में बहुत टाइम लगता है, और चार बंदों का इतने लंबे टाइम तक एक ही टीम में रहना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर टीम में कोई ना कोई प्लेयर किसी न किसी वजह से चेंज होता रहता है, जिसकी वजह से उस टीम की परफॉर्मेंस इफेक्टेड रहती है। और अपना सेकंड टॉपिक भी यही है, टीम में प्लेयर्स का बदलते रहना। टीम में प्लेयर के बदलते रहने से टीम और प्लेयर दोनों की परफॉर्मेंस इफेक्टेड होती है। सब जो कैसे, जब टीम में कोई नया प्लेयर ज्वाइन होता है तो उस प्लेयर की थिंकिंग, उस प्लेयर का माइंडसेट उस टीम के बाकी प्लेयर से मैच नहीं होती, अलग अलग होती है, और उसको टीम में सेट होने में टाइम लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, जिसे सिनर्जी इंप्रूवमेंट भी कहते हैं। और जब तक चारों प्लेयर की सिनर्जी प्रॉपर सेट नहीं हो जाती तब तक उस टीम की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट होगी ही नहीं। और जब किसी टीम के चारों प्लेयर साथ में मिलकर ग्राइंड करते हैं, अपनी सिनर्जी इंप्रूव करते हैं, और उसके बाद जब सब कुछ सेट हो जाता है प्रॉपर होने के बाद, जब टाइम आता है टीम की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट का, तो उसी टाइम पे अगर कोई प्लेयर टीम छोड़कर चला जाता है तो टीम फिर से वापस उसी कंडीशन में आ जाती है जिसमें एक नया प्लेयर ज्वाइन होगा, फिर उसका माइंडसेट, उसकी थिंकिंग्स, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होंगी, फिर उसको सेट करने में, उसको टीम में सेट होने में टाइम लगेगा, उसके साथ सिनर्जी बनाने के लिए ग्राइंड करो। ऐसे चलने वाली टीम फिर वहीं तक रह जाती है, वो आगे बढ़ ही नहीं पाती, क्योंकि आगे जाने के लिए जिस लेवल की आपस में अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है उसके लिए टाइम तो देना होता है। और प्लेयर चेंज होने से टीम पर जो इफेक्ट होता है उसका सबसे बेटर एग्जांपल टीम बीटीआर है। टीम बीटीआर वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी टीम है, और वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी टीम से ऐसी परफॉर्मेंस की उम्मीद किसी को नहीं थी जैसा रिसेंट पीएमजीसी टीम बीटीआर ने किया है। आई होप अब आप ये समझ गए होंगे कि प्लेयर चेंज करते रहने से टीम पर क्या इफेक्ट होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है प्रैक्टिस। अगर किसी टीम के वो सारे पॉइंट्स क्लियर हैं जो हमने पार्ट वन और इस पार्ट टू में कवर किए हैं, तो उस टीम के वीक होने का सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि वो टीम अपने अपोनेंट टीम से कम प्रैक्टिस करती है। और केवल प्रैक्टिस एक ऐसा रास्ता है जिसके जरिए टीम की किसी भी वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, पर हम इस चीज़ पर ज़्यादा बिलीव नहीं करते और यही चीज़ हमें कमजोर करती है। मैंने इंडिया में ऐसी कोई भी टीम नहीं देखी जो प्रैक्टिस को सीरियस लेती हो। हर टीम हर प्लेयर सिर्फ टूर्नामेंट्स को सीरियस लेता है और टूर्नामेंट्स में अपना 100% डोमिनेट भी करता है, प्रैक्टिस मैचेस में तो सीरियस होता ही नहीं कोई, सब मारो मारो गेम खेलते हैं। फिर जब इंपॉर्टेंट मैचेस में ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं जहां सर्वाइवल की जरूरत होती है, तो उस टाइम पे सर्वाइवल स्किल्स कहां से आएंगी, प्रैक्टिस मैचेस में तो कभी गए ही नहीं सर्वाइवल के लिए, और ऐसे में परफॉर्मेंस और ख़राब होती है। जिस चीज़ की प्रैक्टिस की है वो परफॉर्म नहीं कर सकते, और जो परफॉर्म करने की ज़रूरत है उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं की, तो ऐसे में कोई क्या डोमिनेट करेगा, खुद ही सोचो। आप नोटिस करना, जब किसी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट या किसी इंपॉर्टेंट मैच के लिए ग्राइंड करते हो तो उस टाइप की प्रैक्टिस को लेकर आपका जो माइंडसेट होता है, आपका जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल अलग होता है, और जब वो मैच खत्म हो जाता है और आप जीत जाते हो तो उसके बाद प्रैक्टिस को लेकर आपका बिहेवियर अलग हो जाता है। और कोई टीम अगर बैक टू बैक कोई दो चार टूर्नामेंट जीत जाती है तो प्रैक्टिस उसके लिए सिर्फ नाम की चीज़ रह जाती है, फिर वो टीम के बंदे उतनी भी प्रैक्टिस नहीं करते जितना वो पहले किया करते थे, और इस वजह से टीम की परफॉर्मेंस उसी जगह फ्रीज हो जाती है और कोई दूसरी टीम मेहनत करके उनसे आगे निकल जाती है, और फिर ऐसा ही चलता रहता है। टीम एक बार टॉप पर जाने के बाद प्रैक्टिस करना छोड़ देती है और इसका फायदा कोई और टीम ले जाती है, इसलिए कोई भी टीम ज्यादा टाइम तक टॉप पर नहीं रह पाती। उम्मीद है समझ ही गए होंगे कि प्रैक्टिस की क्या इंपॉर्टेंस होती है प्लेयर के लिए। आज आप जो भी हैं या फिर कल जो भी होंगे उसके पीछे आपकी प्रैक्टिस ही होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Marked a location.